जय श्री राम दोस्तों, जय सनातन धर्म, जय हिंदू राष्ट्र भारत, हिंदू राष्ट्र जय और जय हिंद। दोस्तों 17 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ संपूर्ण रामायण जी के स्केच के, और अब ये 18वां स्केच का वीडियो बना रहा हूँ जिसमें केवट राम सीता लक्ष्मण को नदी पार कराते हुए नाव में बिठा के। तो अभी ये सारे अभी एक स्केच है, इसमें डिटेल देना बाकी है। अभी कई व्यूअर को शायद पूरा क्लियर नहीं पता चले या नहीं समझ में आए, तो जैसे जैसे पेंटिंग बनेगी तो सब बात समझ में आ जाएगी किस तरह से सब्जेक्ट है, और उसमें काफ़ी डिटेल देना है। जैसे जंगल का सीन है तो उसमें मोर भी बनेगा, बर्ड्स भी बनेंगे, पिकॉक भी बनेंगे, हर चीज़ बनेगी, और कमल पत्ते बनेंगे, नदी नाला तालाब सब बनेंगे। तो आप लोग कनेक्टेड रहिए कि भी जैसे ही स्केच फाइनल होने लग गए हो जाएंगे उसके बाद में कलरिंग का काम स्टार्ट होगा। तो जैसे मैं ये वीडियो स्केच का बना रहा हूँ वैसे पेंटिंग फाइनल होगी, उसका भी मैं बनाऊंगा। तो आप लोगों का साथ चाहिए। ये हनुमान जी की प्रेरणा से मैं ये पेंटिंग की मैंने शुरुआत की है। 108 पेंटिंग में संपूर्ण रामायण को पिरोने की कोशिश की है। जैसे 108 मोती होते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, एक एक मोती हम पिरोते हैं धागे में, उसी तरह से एक एक पेंटिंग को पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और आपको कैसे लग रहे है मेरे स्केच मुझे कमेंट्स करें, और जय श्री राम जरूर लिखें जिससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और ये केवट का बहुत सुंदर प्रसंग है, मैं आपको स्केच दिखाता हूँ। तो ये केवट है और राम सीता लक्ष्मण, और ये नदी पार कराते हुए। अभी जैसे स्केच बन जाते हैं ना तो उसके बाद में हर चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई कहाँ कलर हम बनाना, कहाँ पानी बनाना है, कहाँ भगवान की धोती है, धनुष है, या हर चीज तभी के लिए बन सकती है कि हमारा स्केच हो। तो सबसे पहले पेंसिल से स्केच किया है, उसके बाद ये फाइनल आउटलाइन की है, और इसमें भी कलर करते हुए कोई कमी होगी तो मैं चेक करूँगा और उसको सुधारूँगा। तो हमारे ये 18 स्केच हो चुके हैं। और 18 ये 18वां वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों सनातन धर्म के लिए हमको प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि हम कोई गिफ्ट लाते हैं तो हमको पेंटिंग खरीदना चाहिए या भगवान से संबंधित मूर्ति खरीदना चाहिए, क्योंकि ये जो वेस्टर्न संस्कृति है ने कब्जा कर लिया है हमारे हिंदुस्तान में, उससे हमको निकलना चाहिए। हमारे बच्चों को सनातन धर्म के संस्कार देना चाहिए, तिलक लगाना, चोटी रखना, ये सारा अभी हंसी मजाक और इस तरह से समझते हैं कि भाई खराब चीज़ मानते हैं कि यार फोड़ है या बहुत गंदा मानते हैं। पर धीरे धीरे हमको ये स्थिति चेंज करनी है, और सभी को अपने जो भी माँ बाप है अपने बच्चों को हर तरह से इसी तरह की शिक्षा दे, मंदिर लेके जाए, पूजा करने की बोले। और मेरा पेंटिंग के जरिए सनातन धर्म में एक पुष्प अर्पित कर रहा हूँ श्री राम के चरणों में और सनातन धर्म को, कि मैं ये 108 पेंटिंग बना के और हनुमान जी और श्री राम के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। तो आप लोगों का साथ मुझे चाहिए, और आपको मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो, स्केच अच्छे लग रहे हों या मेरी पेंटिंग के और वीडियो भी देखे हों और अच्छे लग रहे हों, तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हिंदू राष्ट्र जय सनातन धर्म।